नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। ऑक्सीजन के लिए जूझ रही एम्बुलेंस, ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों को नहीं ले पा रहे एम्बुलेंस संचालक। सिवनी जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों ने सरकार और अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जिला अस्पताल सिवनी में तो ऑक्सीजन की समस्या बनी हुई है, वहीं एम्बुलेंस संचालकों को भी ऑक्सीजन के लिए जूझना पड़ रहा है। निजी प्राइवेट संचालकों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर देना बंद कर दिया गया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के कारण सांसें फूल रही हैं। मरीजों को बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए ऑक्सीजन से लैस एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही। सिवनी जिले में संचालित 22 निजी एम्बुलेंस के पहिए थमे हुए हैं। परिजन सांस फूल रहे मरीजों को छिंदवाड़ा, जबलपुर, गोंदिया ले जाने के लिए एम्बुलेंस संचालकों को फोन कर रहे, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में साफ मना कर रहे। एम्बुलेंस संचालकों का कहना है कि छिंदवाड़ा और जबलपुर ऑक्सीजन प्लांट से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाते थे, लेकिन अभी सरकारी सप्लाई का हवाला देकर छिंदवाड़ा और जबलपुर कलेक्टर ने सिवनी के एम्बुलेंस संचालकों को ऑक्सीजन सिलेंडर देने से मना कर दिया। वे सिर्फ बिना ऑक्सीजन वाले मरीजों को ही लाना ले जाना कर रहे हैं। समझ लो, आप मिल नहीं रही है तो आप पेशेंट कहाँ से लेके जाएंगे? बिना ऑक्सीजन वाले नॉर्मल पेशेंट को ले जा सकते हैं है? अब वो इसके बाद में समस्या तो वही है ना, बिना ऑक्सीजन के कैसे गाड़ी जाएगी? अब वो तो परेशानी यही बन रही है। थे वहाँ से हमको सिलेंडर मिलना बंद हो गया। उनका ये कहना आ रहा है कि भैया गवर्नमेंट सप्लाई है, सिर्फ गवर्नमेंट को ही दे रही है, हम लोगों को मिल ही नहीं रहा है। बड़े मुश्किल से इधर उधर से करके सिलेंडर ला रहे हैं और जो पेशेंट को ऑक्सीजन लग रहा है उसको ऑक्सीजन लगा के ले जा रहे हैं। हमारी समस्या ये है कि हमको ऑक्सीजन अवेलेबल करा दे गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारे पास जो ड्राइवर है वो मेहनत करने तैयार है और आपको सेवा देने तैयार। फिर क्या, फिर बगैर ऑक्सीजन का जो पेशेंट जा रहा है तो भैया गाड़ी खड़ी ली जा ले, और नहीं तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करा ले, तो हम जाने तैयार हैं। वहीं सिवनी में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने के लिए आए मंत्री रामकिशोर कावरे शीघ्र ही सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन दे रहे। साथ ही वे कोरोना महामारी के दौर में निजी क्षेत्र के लोगों से और सभी राजनीतिक दल और आम जनता से सहयोग की अपेक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए, आज मैं प्रभारी मंत्री के रूप में कोविड की व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और जो भी विषय ध्यान में आप लोगों के माध्यम से मेरे ध्यान में आया है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, वो सारी स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था करेंगे। कोरोना का प्रभाव इतना भयंकर सेकेंड स्टेज में आया है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं, आप सब लोग मीडिया के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि लोग भयभीत हैं, कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि क्या होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी और चैनल के माध्यम से भी सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के कुशल नेतृत्व के कारण ये सारी सुविधाएं, किसी ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी है, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करेंगे, सारी व्यवस्था हमारे पास में होगी। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, सभी लोगों ने व्यवस्था किया कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आए और अपना यहाँ पर व्यवस्था करें। हम उनको जो सरकार की तरफ से सुविधा हो सकती है वो सारी सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराएंगे, ऐसा हमारे विधायक जी, सांसद जी, सभी लोग लगे हुए हैं। और जो चीज़ें आपके सामने, आज का समय हम सब लोगों को, सभी दल के लोगों से भी मैं व्यक्तिगत आग्रह करता हूँ, सभी पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इस महामारी में हम सब लोगों को मिलकर उस काम को आगे बढ़ाकर लोगों की मदद करने की आवश्यकता